अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल करें, आपको हर बुरी बला से, बुरी बीमारियों से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फर्स्ट इफ्तारी की रेसिपी। ये मैं बना रही हूँ रवा केक, जिसे बोलते हैं सेमोलिना केक, बासभूसा और पता नहीं क्या क्या नाम है इसके। और यहाँ पर मैं अभी रेडी कर रही हूँ इसके लिए सिरप। इसके लिए मैंने जस्ट 1 कप पानी, आधा कप चीनी, इलायची पाउडर और थोड़ी सौंफ पाउडर, रोज़ वाटर ऐड करके इसे चढ़ा दिया है चूल्हे पर। इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसे शक्कर जो है उसमें घुलने तक पकाना है। फिर मैंने यहाँ पर लिए 3 अंडे और चीनी और वेनिला एसेंस और इसे बीट किया है 1 मिनट के लिए। जब ये बीट हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे रवा और कोकोनट, दही, दूध और घी। जितना हमने घी लिया है उतना ही हम तेल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसे फिर से 1 मिनट के लिए करेंगे बीट। 1 मिनट बीट करने के बाद इस बैटर में हम ऐड करेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर चेक कर लीजिएगा। ये जो केक है ये बहुत ही यम्मी बनता है। इसके बाद हम इसे चम्मच से मिक्स करेंगे। बस एक सर्कल लगानी है और उसमें बीच में से एक कट देनी है। ये वीडियो तो मैंने कल ही अपलोड करनी थी लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, इसलिए मैं आज ही इसे अपलोड कर रही हूँ। ये हमारा बैटर हो गया है रेडी। एक कोई भी पैन ले और उसे ग्रीस करें और उसमें इस बैटर को डाल दें। अगर आप ये केक चूल्हे पर बनाना चाहते हैं तो आप पहले कढ़ाई को 15 मिनट के लिए प्री हीट करें, उसके बाद ये बैटर उसमें डाल के 20 से 25 मिनट तक इसे बेक करें। मैंने यहाँ पर पैन ग्रीस किया हुआ था, उसके बाद ये बैटर हम इसमें ऐड करेंगे। बैटर ऐड करने के बाद हम 3 बार इसे टैप करेंगे और 180 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट इसे बेक करेंगे। जब ये बेक हो जाएगा तब हम इसमें सिरप ऐड करेंगे। जो हमने शुगर सिरप बनाया था वो सिरप हम इसमें ऐड करेंगे। केक यहाँ पर बेक हो चुका है, अब मैं इसमें लगा रही हूँ कट। कट लगाने के बाद मैं इसमें शुगर सिरप ऐड करूँगी और शुगर सिरप ऐड करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए इसी हाल में छोड़ देंगे। जब शुगर सिरप इसमें पूरी तरफ से अब्सॉर्ब हो जाए तब हम ऊपर से गार्निश के लिए इसमें बादाम लगा देंगे और हमारा केक हो गया है रेडी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।